ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है दोस्तों। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आज के न्यूज़पेपर में क्या कुछ आया है कॉन्स्टेबल के बारे में और दूसरी चीज़ों के। तो कच्ची नौकरियों में सक्षम युवा अंत्योदय परिवारों और ज़रूरतमंदों को देंगे तरजीह। ठीक है, तो इसमें जो है यानी कि गरीब परिवारों को इसमें नौकरी मिलेगी, यानी कि जिनकी फैमिली आईडी में इनकम 80,000 से कम है उनको डायरेक्ट 40 नंबर मिलेंगे। यानी कि डीसी रेट पे अब जो नौकरियां लगेंगे वो आपकी सिफारिश से नहीं, आपकी फैमिली आईडी की इनकम के अकॉर्डिंग लगेंगे। तो मैं आपको इसमें डिटेल में वीडियो में आपको बना दूंगा कि आपकी इन फैमिली आईडी में इनकम कितनी है, आपको ठीक करवा लीजिए कितनी आपको रखनी है। तो सेकेंड थिंग हम बात करेंगे, 3 दिन चली परीक्षा में 3.77 लाख युवा ने जो है परीक्षा दी। तो यानी कि इसमें बात करेंगे कि टोटल जो फॉर्म भरे गए थे 8,39,8,39,000 ने, और 3 दिन तक ये 6 शिफ्ट में परीक्षा हुई। तो हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन भोपाल सिंह खदरी ने बताया कि हम कुल 5500 पदों से 7 गुना करीब 40,000 युवाओं को पीएसटी के लिए बुलाएंगे। संभावना है कि जल्द परीक्षा परिणाम घोषित कर 15 नवंबर तक दौड़ की प्रक्रिया शुरू करा दी जाएगी। और दूसरी हम बात करते हैं अभी, तो आपका जो है हरियाणा ये 6 शिफ्टों के लिए जो है आपका शेड्यूल जारी कर दिया गया है। ये 21 और 22 तारीख को आपका शेड्यूल रहेगा ये इन 6 पोस्टों के लिए, ये भी आप देख लेना। और ये एक न्यूज़पेपर में आया कि दूसरे के स्थान पर पेपर देने की तैयारी में थे नारनौल कुरुक्षेत्र से 2-2 युवक दरे, यानी कि कहीं ना कहीं इसमें लीक या दूसरे की जगह पेपर देने, यानी कि कुछ कुछ और भी इसमें मिल सकते हैं। ठीक है, तो लेकिन आप लोगों ने, आप जो पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं, आपने इन चीज़ों की तरफ ध्यान बिल्कुल भी नहीं देना है। तो इस एक चीज़ में और दिखा देता हूँ आपको, ये देख लीजिए, ऑटो चलाकर बड़ी कोचिंग की फीस अब बना सब इंस्पेक्टर। यानी कि अपनी, यानी कि आप लोगों में से ज़्यादातर तो यही होंगे कि आपको अपने परिवार वाले पैसे देते हैं कोचिंग में आप जाते हो, ठीक, आपको घर से पैसा मिल रहा है ना कि आपको कमाना पड़ रहा है। तो आप इन विद्यार्थियों के भी सोचो कि जो जिनके पास कोचिंग लेने के लिए पैसे ही नहीं हैं, तो इसलिए ऐसे विद्यार्थियों को अपने प्रेरणा लेनी चाहिए कि हम भी ऐसा कुछ करें कि हमें तो सब कुछ मिल रहा है, तो ताकि हम अच्छे से मेहनत करें, इधर उधर की बेफालतू की बातों में ध्यान न दें। ठीक है, तो आपने लीक हुआ, ये हुआ, वो हुआ, इन बातों की तरफ ध्यान बिल्कुल भी नहीं देना है आपने जो है। खासकर मेरे गरीब बच्चों से यही प्रार्थना है और यही मेरा निवेदन है कि आप अपने माता पिता की बातों पर खरा उतरें और अपने किसी भी और दूसरी चीज़ों में ध्यान लगा करके केवल और केवल पढ़ाई पे अपना ध्यान रखें। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।